लॉकडाउन ने सबको घर पर बिठा दिया। ये वेकेशन सबके लिए कंपलसरी बना दिया। कभी हमने रामायण देखा तो कभी महाभारत, कभी बनी हाइस देखा तो कभी असुर, सबसे फोन पे बातें की, चाहे दोस्त हो या हो सास ससुर, कभी बच्चों के साथ लूडो खेला तो कभी किया डांस, परिवार के साथ समय बिताने का मिल गया हमें अच्छा चांस। वो जो घर पर नहीं है, यानी कि हमारी डॉक्टर्स, पुलिस, सफाई कर्मी, सबके लिए हमने वीडियो भी बनाया है, उसमें उन्हें सराहा और कमबख्त कोरोना को गाली भी दी। उन्हें तो हमने मान दे दिया, लेकिन कोई और भी है, वह घर में ही है, लेकिन उसके लिए कोई वेकेशन नहीं। पहले तो पति ऑफिस जाते और बच्चे स्कूल जाते, कम घर पर रहते और कम ही खाते। अरे कम से कम संडे को तो होटल में जाते, लेकिन अब तो सब घर पर है और वो रसोई में। पहले से कहीं ज्यादा खाना बना रही है वो, अब तो घर पे ही बन रहे हैं पिज्जा और पास्ता। बन रहा है घर में हर एक की पसंद का नाश्ता। उसे वैकेशन है ही नहीं, फिर भी हंस रही है। प्यार से खाना बना भी रही है और परोस भी रही है, जानते हो क्यों? क्योंकि कुछ भी हो जाए, घर की उस लक्ष्मी के लिए कभी वैकेशन नहीं होता। हमारी माँ, बहन, बेटी और पत्नी, उन्हें भी सम्मान देते हैं। थोड़ी सी थाली उस थाली सजाने वाली के लिए भी बजा देते हैं।